डॉक्टर की वाइफ इस समय यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं परिवार काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है। किस तरीके से डॉक्टर को जो है मेडिकल सबमिट करने के बावजूद कि उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, फिर भी जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था, ऐसा आरोप परिवार के लोगों ने लगाया है। आप देख सकते हैं परिवार की फ़िलहाल रो रो कर हालत बुरी है। जी हाँ, परिवार की फ़िलहाल रो रो कर हालत बुरी। उनकी वाइफ इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोते हुए नजर आ रही है। कुछ समय पहले असंध में जो है एक हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी, मेडिसिटी नाम था, डॉक्टर परवीन कादियान उसके जो एमडी हैं उन पर कुछ आरोप लगाए गए थे। 14 तारीख को उनके हॉस्पिटल से कुछ ऐसी किट्स जो है बरामद की गई थी जो कि अबॉर्शन में यूज होती हैं, ऐसे आरोप थे। सिविल सर्जन की टीम जो है वो हॉस्पिटल पहुंची थी, रेड की गई थी, जिसके बाद उनको जो है जेल भी भेजा गया था। अभी ये केस जो है ट्रायल्स इसके चल रहे थे कि कादियान, डॉक्टर कादियान की जो है तबियत बिगड़ जाती है, 14 तारीख को उन्हें जेल भेजाता है, 15 तारीख को जो है वो उन्हें कल्पना चावला में एडमिट किया जाता है। पहले से वो एक पेशेंट है जिसके बाद कल जो है उनकी डेथ हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है एक बार बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या हुआ था जिसकी वजह से उनको जेल भेजा गया था और कैसे डेथ हुई है? एक्चुअल में ऐसा था, इनकी जैसे ही गिरफ्तारी हुई ऐसी कोई साजिश रची गई थी भी, यहाँ पर अबॉर्शन होते हैं लेकिन ऐसे वहाँ से कोई भी सबूत बरामद नहीं हुए। जैसे ये बोला जा रहा है अभी किट बरामद हुई है, हमारे पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं थे। मैं वहाँ पे एज ए HR हूँ, मिसेस मीनाक्षी शर्मा, तो मुझे पता चला भी हमारे डॉक्टर MD को गिरफ्तार कर लिया गया है इस केस के तहत चलते हुए, 400BC के तहत चलते हुए। हमारी टीम आई थी, हमारे पास एक पेशेंट आया था, मनीषा नाम का पेशेंट था वो, तो हमने उसे चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास गायनी डॉक्टर नहीं था। जब तक कोई डॉक्टर नहीं होता तो हम पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते। हमारे डॉक्टर ने उसे रेफ़र का बोल दिया था, अभी आप उसे रेफ़र कर दीजिए। हमने उसे रेफ़र कर दिया, किसी कारण उनका वाहन नहीं आया। तो जैसे ही उनका वाहन आता है 1.5 घंटे के बाद वो पेशेंट को लेके चले गए। तो CMO की टीम हमारे पास 2 दिन के बाद आई, उन्होंने ये बोला भी आपने यहाँ पे अबॉर्शन कराया है। हमने उसे सारी फोटोज दी कैमरे की भी, हमारे पास ना तो यहाँ पे कोई डॉक्टर था ना हमारे पास कोई वो था। तो उन्होंने ये कहा भी आपने 1.5 आवर यहाँ पे क्यों रखा पेशेंट। हमने उसे ये कहा उनकी वहाँ पर गाड़ी नहीं थी, अब हम पेशेंट को बाहर तो लिटा नहीं सकते थे ना, हमने कोई इसकी छेड़छाड़ की थी, कुछ भी हमने उस नहीं किया था। तो उन्होंने वहाँ पे हमारा जो भी था पर्चा दर्ज करवा दिया। जो प्रोपराइटर होता है वो थे हमारे डॉक्टर मिस्टर परवीन कादियान। मैम क्या वहाँ से अबॉर्शन किट मिली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। अब आप ये बताइए, किट तो नहीं मिली थी, जो उनसे और वो होते हैं सामान होते हैं। अब आप कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे सामान तो मिलेगा ही, आप डॉक्टरी लाइन में हैं तो डॉक्टरी लाइन में सामान तो मिलेगा ही, डॉक्टरी लाइन का तो वो सामान मिला हुआ था हर चीज का। लेकिन कोई भी ऐसा अबॉर्शन का कोई भी सामान नहीं मिला जिससे उन्होंने 420 का केस दर्ज कराया। तो फिर मतलब सामान नहीं मिला तो पुलिस ने ऐसे कैसे मतलब उन्हें अरेस्ट कर लिया? ये एक साजिश के तहत हुआ है। ऐसा क्यों किया गया, पुलिस ऐसा क्यों करेगी? साजिश के तहत इसलिए हुआ, जो उनसे लड़का लेके आया हुआ था अबॉर्शन के लिए, क्यों वो पहले अबॉर्शन कहीं करवा के लेके आया हुआ था, जब उसको चेक किया गया पेशेंट को भी इसको क्या दिक्कत है, हमें ये बताया गया था भी ये सीढ़ियों से गिर गई है और इसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो ब्लीडिंग के लिए हमारे पास और भी इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन वगैरह होती है तो हम पेशेंट को वो दे सकते थे। लेकिन जब हमने ट्राई किया उसको चेक किया तो पेशेंट जैसे बाहर से आया था किसी डॉक्टर के पास से आया था, वो हमें अनुभव हो चुका था क्योंकि पेशेंट के नीचे कॉटन लगी हुई थी, नागे कुछ छोड़ को रखा हुआ था। तो मैंने उसी टाइम स्टाफ को बोला भी मैं पेशेंट को नहीं रखना चाहती क्योंकि ये मिस कैरेज का मामला है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेशेंट को हमने, तो डॉक्टर कादियान को कोई प्रॉब्लम थी जिसके चलते डेथ हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रॉब्लम थी, जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया वो 10 तारीख को सेंट्रल लाइन डलवाकर आए थे पानीपत जाकर, उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, पैनक्रियाज वगैरह चल रहा था, हार्ट में भी दिक्कत थी उनकी, हर चीज में थी। उनको एक उसके तहत ही गिरफ्तार किया गया, ये नहीं पता था भी उन्हें गिरफ्तार की जा रही है, उन्हें एक धोखे से गिरफ्तार किया गया। उनको वहां पर लेके गए, पहले कोई पुलिस वाला आया उसको लेके गए, सिविल ड्रेस में आया, ये नहीं कहती मैं ड्रेस में आया, सिविल ड्रेस में आया, फिर उन्हें वहाँ लेके गए, उन्हें वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। प्रॉब्लम क्या थी उन्हें, मेडिकल इशू क्या था? पैनक्रियास था और हार्ट में प्रॉब्लम। सेंट्रल लाइन में हम कह रहे हैं उनको डली, हाँ बिल्कुल सेंट्रल लाइन डली हुई थी, बिल्कुल जी बिल्कुल, 10 तारीख को, 14 तारीख को पुलिस लेकर गई है, 10 तारीख को उनको
सेंट्रल एंड दिल्ली थी, उसके भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हमने उसमें लगाए हुए हैं, सारी चीजों में लगाए हुए हैं। 420 का मैम मामला बता रहे हैं, उनके ऊपर दर्ज किया गया था, वो किस बिना पे किया था 420? वो इस भी यहाँ पे किया हुआ था, अभी आपने ये अबॉर्शन यहाँ पे किया, लेकिन मैं यही कह रही हूँ, आज तक भी यही कह रही हूँ और कहती रहूंगी, मेरे पास गायनी डॉक्टर नहीं थी उस दिन। मैंने सारे फोटोज, सारी पेन ड्राइव सब उनको इनका हॉस्पिटल वो दे दी थी। हाँ जी, पानीपत के रहने वाले हैं और असंध में भी हैं, लेकिन इनके पास कोई भी डॉक्टर नहीं थी उस दिन, लीव पर थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 35 इयर्स के डॉक्टर जिनके दो छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से उनके हॉस्पिटल में सिविल सर्जन की टीम द्वारा जो है एक रेड की जाती है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है ये बताकर कि वहां पर कुछ इलीगल एबोशन का सामान जो है वो पाया गया था, जिसके बाद उनको जो है 14 तारीख को जेल भेजा गया था और 15 तारीख को उनकी जो है तबियत बिगड़ जाती है, क्योंकि सेंट्रल लाइन थी, ऑपरेशन हुआ था 10 तारीख को ही, 15 तारीख को करनाल के कल्पना चावला में उन डॉक्टर को एडमिट किया जाता है मेडिसिटी, जिसे हर कोई असन में भी जानता है, हॉस्पिटल कुछ समय पहले ही जो है जिसकी ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद 15 तारीख से लेकर अब तक जो है वो कल्पना चावला में एडमिट थे और इलाज के दौरान जो है उनकी डेथ हो जाती है। जो केस के आईओ हैं उनसे भी हम जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे को से कल्पना चावला हॉस्पिटल से इंटीमेशन आई थी, प्रवीण कुमार नाम का पेशेंट है जो जिला जेल से हवालाती था और यहाँ एडमिट था, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई है। तो हम उसके बारे में जो उसके परिवार के उसके फादर साहब भी आए थे, उन्होंने फिर अपना हमारे को जो स्टेटमेंट दिया कि इसको बीमार था ये, काफ़ी समय से कोरोना काल से इसको बीमार हो गया था उस टाइम से, तो इसकी कल इलाज के दौरान यहाँ डेथ हुई है। ये कोई असंध का बता रहे हैं, असंध में केस था, कोई पीएनडीटी केस था, इनका मेडिसिटी हॉस्पिटल है असंध में, और पहले इनका कोई पानीपत हॉस्पिटल में, फिर इन्होंने यहाँ असंध में खोला हुआ था, तो वहाँ इनके खिलाफ केस हुआ था। एक अरेस्टिंग कब हुई थी सर इनकी? अरेस्टिंग तो इनकी उसी दिन हो गई थी, और 14 तारीख से ये जेल में थे, 16 तारीख को इनकी वहाँ जेल में तबीयत खराब होने पर फिर इनको यहाँ दाखिल कराया गया था। कल्पना चावला डेथ कब हुई? ये इनकी कल डेथ हुई है, हमारे को जो है 9:30 बजे इंटीमेशन आई थी। सर परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसी डीएसपी से जो है कोई झगड़ा हुआ था और पुरानी रंजिश के चलते इन्हें फंसाया गया है। नहीं, हमारे को इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, हमारे को इनके फादर साहब ने यही लिखा हुआ स्टेटमेंट दिया कि इसको बीमार होने की वजह से इसको यहाँ एडमिट कराया था और बीमारी के कारण इसकी डेथ हुई है। सर कहाँ के रहने वाले? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि बीमार होने के चलते जो है इनकी डेथ हुई है। आप लोगों की इस खबर पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा मांडा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।